नमस्कार दोस्तों, आप सबको स्वागत है मेरे चैनल बी टाउन हलचल में। शाहरुख खान फैंस थोड़ा सा कंफ्यूज थे कि शाहरुख खान अपने आने वाले फिल्म किस टाइप की करने वाले हैं। राज एंड डीके के साथ उनकी जो फिल्म होने वाले हैं वो एक्शन कॉमेडी थ्रिलर फिल्म होगा, ये लगभग कंफर्म भी है। लेकिन रिसेंट में शाहरुख सर ने बीबीसी के साथ फिल्मी टॉकिंग एपिसोड में इंटरव्यू देते हुए बहुत सारी बातें खुलासा की हैं और अपने दिल के बात सामने रखे हैं। पिछले सारे इंटरव्यू में शाहरुख सर ने बहुत सारे बातें बताए हैं, वो किस टाइप की फिल्म करना चाहते हैं, ऑडियंस के चाहत मुताबिक फिल्म करेंगे। लेकिन रिसेंट इंटरव्यू में शाहरुख सर ने ऐसा कुछ कहा है जो आपके दिल को टच करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि शाहरुख सर ने फाइनली क्या कहा अपने आने वाले फिल्मों के लेके। सबसे पहले तो आपको बता दूं, शाहरुख सर ने जितने भी एक्शन फिल्म किए हैं वो उनके मुताबिक एक्शन की इंट्रोडक्शन दिया गया है। उनकी फिल्म हैप्पी न्यू ईयर, डॉन या बहुत सारे दिलवाले, जिस टाइप की एक्शन दिखाया गया उनकी पिछले फिल्मों में, उनके मुताबिक वो एक्शन सिर्फ और सिर्फ एक्शन की इंट्रोड्यूस है, झलक है। असली एक्शन तो आप वो दिखाने वाले हैं बॉलीवुड को या फिर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को। शाहरुख सर ने कहा है कि वो बहुत ही ग्रैंड लेवल और इंटरनेशनल लेवल की एक्शन करने वाले हैं, जो अभी तक बॉलीवुड में वो एक्शन हुआ ही नहीं। और इसके लिए शाहरुख सर ने इंटरनेशनल एक्शन स्टंट मास्टर्स को भी हायर करना शुरू कर चुके हैं। शायद शाहरुख सर राज एंड डीके की फिल्म के अंदर ही ये इंटरनेशनल लेवल की एक्शन हमको दिखाने वाले हैं, जिसके लिए शाहरुख सर इंटरनेशनल एक्शन स्टंट मास्टर्स को हायर कर लिए हैं। तो आपको बता दूं, ये बहुत बड़ी बात है कि शाहरुख खान की आने वाले फिल्म जो है वो ग्रैंड लेवल की एक्शन होने वाले हैं, जिनमें आपको बहुत ही ज्यादा घुसपैठ मिलेगा शाहरुख खान को देखते हुए।